हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो देखो, ऑब्वियस ही बात है, टावर बड़ा होता है, बिल्डिंग क्या होती है? छोटी। तो एक काम करते हैं, लो फटाफट इसका डायग्राम बना लेते हैं। पहले देखो, ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया? बेस, जहां पे हमारे क्या हो जाएंगे? टावर और इनको स्टैंड करना है। ओके, अब देखो, एक बार टावर से इसके बेस को देखना है, फिर एक बार यहां से यहां देखना है, राइट? उसने यही बोला है, एक बार टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट को देखना है। ये तुम्हारी बिल्डिंग है, ठीक है? ये बिल्डिंग है और ये क्या हो गया? टावर। एक बार टावर के टॉप से बिल्डिंग का फुट देखना था और एक बार बिल्डिंग के टॉप से टावर का क्या देखना है? फुट देखना है, ठीक है? नाम ले लेते हैं इसके हम लोग, ए बी सी डी। देखो, सबसे पहले देखते दिया क्या है। हाइट ऑफ द टावर 50, अच्छी बात है। अब देखो, इसके बाद देखते क्या दिया था। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो ये हो जाएगा कितना दिया है। अब देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, ये कितना देके रखा हम लोगों को? 60 डिग्री। तो हमसे ये वाला पूछा है, तो इसको h मान लेते हैं। ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारे पास? x। अब देखो, दो राइट एंगल ट्रायंगल है अपने सामने, एक ये वाला है तुम्हारे पास ABC और एक कौन सा है बच्चों? ये ACD। तो दोनों में एक बार क्या लगा रहे हैं हम लोग को? tan। ओके, तो चलो एक एक करके लगा लेते हैं। देखो, पहले कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग? ट्रायंगल ABC। अब देखो, इसमें tan लेते हैं। अब देखो, ट्रायंगल ABC में चलेंगे तो एंगल ये दिया है 60 डिग्री, हाइट कितनी देके रखी है? 50, बेस कितना देके रखा है हम लोग को? x। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास? 50/√3। ओके, अब देखो दूसरे वाले ट्रायंगल में लेते, ट्रायंगल ACD। अब ACD में अगर देखें तो एंगल कितना देके रखा है? tan 30, हाइट हमको पता नहीं है, x ये रहा। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, यानी h का आंसर हो गया x/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, अब देखो ये x की वैल्यू यहां रख लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो, ये हो गया पहले 1/√3, x की वैल्यू कितनी दी हमको? 50/√3। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? √3 × √3, 3। अब इसे तुम्हें बस क्या करना है? डिवाइड। अब अगर तुम डिवाइड करोगे तो 16.66 के नियर अबाउट तुम्हारा क्या जाएगा? इसकी हाइट।